झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि इन 13 सीटों पर कुल 189 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होना है। 23 दिसंबर को परिणाम आएंगे। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार का आज पहला इम्तिहान होगा। आज यानी कि शनिवार को महाराष्ट्र की विधानसभा में दोपहर 2 बजे शक्ति परीक्षण होना है। शिवसेना का दावा है कि उसके पास 170 विधायकों का समर्थन है और सदन में वो आसानी से बहुमत साबित कर देगी। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस ने पेच फंसा दिया। कांग्रेस ने एन मौके पर डिप्टी सीएम पद की मांग की है। कांग्रेस चाहती है कि राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा उनकी पार्टी का भी डिप्टी सीएम हो। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर शव जलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने महिला डॉक्टर की रेप के बाद गला घोटकर हत्या कर दी, उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया। भारत की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी खबर है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 4.5% पर आ गई। पिछली 26 तिमाही यानी कि 6.5 सालों में ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे धीमी विकास दर है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के आर्थिक सोच के दिवालियेपन का ये नतीजा है कि जीडीपी की दूसरी तिमाही की ग्रोथ पिछले 6 सालों में सबसे कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया वर्क रोस्टर जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि अब शीर्ष अदालत में जनहित याचिकाओं से जुड़ी सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े और 3 अन्य वरिष्ठ जज ही करेंगे। ये रोस्टर बीते 26 नवंबर से ही लागू हो गया। ब्रिटेन का मशहूर लंदन ब्रिज शुक्रवार को आतंकी हमले से दहल गया। एक आतंकी ने आने जाने वाले लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने जो बॉम्ब वेस्ट पहना था वो नकली था। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अभिमन्यु मिथुन ने कमाल की गेंदबाजी की। शुक्रवार को सूरत में हरियाणा के खिलाफ मुकाबले में कर्नाटक के 30 साल के तेज गेंदबाज मिथुन ने 1 ओवर में 5 विकेट चटकाने का कारनामा किया। मिथुन ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर फैसला करने के लिए अभी पर्याप्त समय है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान गांगुली ने कहा कि धोनी के भविष्य पर कुछ महीनों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।